नमस्कार दोस्तों, एके आयुर्वेदा में आपका स्वागत है। दोस्तों आज एक बेहतरीन औषधि के बारे में जानकारी लेके आया हूँ। आज का वीडियो अगर आप पूरा देख लेते हैं तो आप असली और नकली का फर्क जान पाएंगे और सही औषधि लेके सही फायदे उठा पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आज मैं बात कर रहा हूँ रूमी मस्तंगी की। दोस्तों रूमी मस्तंगी नॉर्मली मस्तगी नाम से भी जानी जाती है और ये बहुत ही बेहतरीन औषधि है, खासतौर से पाचन तंत्र के लिए, यौन रोगों के लिए और स्किन के लिए बहुत अच्छी मानी गई है। इसके अलावा जितने भी शरीर में अंग प्रत्यंग हैं उनकी ताकत देने के लिए, पुट्ठों को मजबूत बनाने के लिए बहुत ही ज़बरदस्त औषधि है। दोस्तों आज मैं इस वीडियो में आपको रूमी मस्तंगी की पहचान, ये कैसे प्राप्त होती है, क्या होती है और असली की क्या पहचान है, वो सब कुछ बताऊंगा। जी हाँ दोस्तों, बाजार में रूमी मस्तंगी नकली बहुत ज़्यादा मिलती है, असली रूमी मस्तंगी तो मिलना थोड़ा सा मुश्किल होता है क्योंकि इसकी प्राइज़ है ना वो 10,000 रुपये से ही ज़्यादा होती है। तो दोस्तों जो प्राइज़ में 10,000 रुपये से ज़्यादा की कीमत की औषधियाँ होती हैं वो ज़्यादातर बाज़ार में नकली मिलने लग जाती हैं। तो आज आपको मैं आपको इसकी असली पहचान बताऊँगा। दोस्तों सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए रूमी मस्तंगी क्या है। दोस्तों रूमी मस्तंगी एक तरह की राल है, कहने का मतलब सीधा सी बात है ये पेड़ के गोंद टाइप में होता है। जो गोंद और राल में थोड़ा सा अंतर होता है कि गोंद होता है वो पानी में घुलनशील होता है जबकि राल घुलनशील नहीं होता। तो ये एक तरह की राल है, आप इसको पीसेंगे तो बारीक पाउडर बन जाएगा लेकिन इसको अगर चबाएंगे तो ये चबाया नहीं जाएगा, मतलब पानी में नहीं घुलेगा। तो दोस्तों जो रूमी मस्तंगी होती है वो बहुत ही शानदार औषधी है, इसके जो फायदे मैं आगे बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको इसकी पहचान बता देता हूं। दोस्तों सिंपली रूमी मस्तंगी को आप मुंह में लीजिए, जैसे मेरे मुंह में अभी रूमी मस्तंगी है, इसको मैं 2 घंटे चबा लो, 4 घंटे चबा लो, 5 घंटे चबा लो, ये डिजोल्व नहीं होगी, ना ही इसमें कोई तरह की किरकिर आएगी। ये आप देख पा रहे हैं ये रूमी मस्तंगी है, ये च्युइंगम की तरह चबाई जा सकती है। देखने में आपको लगेगा कि रूमी मस्तंगी का कलर होता है वो हल्का पीला लिए हुए होता है लेकिन सिंपली वो क्या होता है, एक गोंद का कलर होता है। अगर आप इसको चबाएंगे तो पूरी तरह क्रिस्टल वाइट बन जाएगी, नॉर्मली जो मोती का कलर होता है वाइट वैसी बन जाएगी। जैसे जैसे रूमी मस्तंगी पुरानी होती जाती है वैसे वैसे पीली होती जाती है, लेकिन जो बाज़ार में आपको मिलती है नकली मिलती है उसमें क्या होता है, अगर उसमें आप जैसे ही मुँह में लेंगे तो आपको लगेगा जैसे पत्थर आपने चबाया है या तो पत्थर आपने मुँह में लिया, इस तरह का फीलिंग आएगी, जबकि असली में बहुत मज़ा आता है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, इसका एक ऐसा नुस्खा बता रहा हूँ, अगर किसी को गुटखा छोड़ना है, सुन लो ध्यान से, अगर किसी को गुटखा छोड़ना है तो असली रूमी मस्तंगी ले आओ, सुबह एक दाना उसका मुंह में लग लो और फिर चबाते जाओ, शाम तक आप चबाते रहना, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और इसकी एक खास बात और है, जैसे आप इसको बाहर निकाल के थोड़ी देर हवा में रखें उसके बाद दोबारा वापस लेंगे तो आपको ऐसे लगेगा जैसे क्रंची हो गया, ये बिल्कुल क्रंची क्रंची आवाज़ आएगी और फिर वापस वो च्युइंगम की तरह बन जाएगा। मतलब इस तरह की इसकी विशेषता है, सिंपल ये विशेषता देख के आप पहचान सकते हैं कि असली है या नकली। अब चलो बात करते हैं रूमी मस्तंगी के फायदों के बारे में। रूमी मस्तंगी के बहुत से फायदे हैं दोस्तों, और सबसे बड़ी बात यह है कि ये उष्ण वीर्य वाली मधुर औषधि है और वात पित्त शामक है और कफ निस्सारक है, कफ को बाहर भी निकालती है, वात पित्त शामक भी है, मतलब कुल मिला के त्रिदोषण औषधि है और पूरे शरीर में काम करती है। तो चलिए आज मैं आपको ये रूमी मस्तंगी दिखाता हूँ और इसके किस तरह से इसको इकट्ठी की जाती है, किस तरह से इसका उपयोग किया जाता है वो सब कुछ बताता हूँ और आगे इसका एक ज़बरदस्त नुस्खा भी बताऊँगा जो अगले वीडियो में आपको मैं बना के दिखाऊँगा। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए बताते हैं आपको रूमी मस्तंगी के बारे में। दोस्तों मस्तंगी पाचन शक्ति के लिए, काम शक्ति के लिए और स्किन के लिए बहुत ही फायदेमंद औषधि है। इसका जो मुख्य नेटिव प्लेस है वो यूरोपियन महाद्वीप है, उसमें ग्रीस और तुर्की में काफ़ी रूप में पाई जाती है। इसको पैदा करने के लिए इसके बागान लगाए जाते हैं, जिस तरह से गूगल प्राप्त किया जाता है उसी तरह से मस्तंगी प्राप्त करने के लिए पेड़ों पर काफ़ी सारे कट लगा के छोड़ दिया जाता है। दोस्तों इसके खूब सारे पेड़ लगा के उनको अच्छे से पाला जाता है, फिर 50-60 साल इसकी खेती की जाती है। दोस्तों इसके ऊपर पेड़ों पे कट लगाए जाते हैं, उन कट से जो गोंद रिश्ता है उसको जो राल कहते हैं उस राल को इकट्ठा करके मस्तंगी प्राप्त की जाती है। ये बहुत ही कठिन और जटिल कार्य है, इसके लिए पूरे धूल मिट्टी को उठा के इसके अंदर से बीन बीन के मस्तंगी अलग की जाती है, छान के और कचरा अलग करके मस्तंगी प्राप्त की जाती है। इसमें काफ़ी श्रम शक्ति लगती है, इसीलिए ये काफ़ी महंगी औषधि होती है।
दोस्तों रस की बात करें तो इसका मधुर रस और कसाई रस होता है। इसके अलावा इसका गुण है वो लघु रुक्ष है और इसका विपाक मधुर है। अगर इसके वीर्य की बात करें तो ये उष्ण वीर्य वाली औषधि है। गुण में ये मूत्रल है और वृष्य यानी पेशाब को लगाने वाली और ताकत देने वाली औषधि होती है। दोस्तों ये वात पित्त दोष को दूर करती है और आयुर्वेद के अनुसार ये यौन शक्तिवर्धक है यानी यौन दुर्बलता को दूर करने वाली औषधि है। दोस्तों अगर कफज विकार की बात करें तो ये उष्ण वीर्य होने की वजह से शरीर से कफ को बाहर निकालती है। इसके अलावा अगर आपके पेशाब रुक रुक के लगते हैं तो दोस्तों ये मूत्रल औषधि है। इसका प्रयोग करने से मूत्र कच्छोर अस्मरी में बहुत अच्छा फायदा मिलता है। दोस्तों इसकी मात्रा अगर लेनी हो तो 500 mg से 1 ग्राम तक की मात्रा इस्तेमाल की जा सकती है। दोस्तों अगर मुंह की दुर्गंध की बात करें तो दोस्तों इसकी जो छोटी छोटी सुपारी की तरह अगर मुंह में चूसते रहते हैं तो मुंह की दुर्गंध को ये दूर कर देती है। इसके अलावा अगर आपके शरीर में सूजन रहती है यानी इन्फ्लामेशन की शिकायत है तो ये मूत्रल औषधि है। अगर आप इसका प्रयोग करते हैं तो आपकी जो सूजन है वो कुछ ही दिनों में दूर हो जाती है, जिसकी वजह से घुटनों के दर्द और अन्य किसी दर्द में भी बहुत अच्छा फायदा मिलता है। दोस्तों अगर आपके मंदाग्नि की समस्या है यानी आपको भूख कम लगती है या आपकी जठराग्नि कमज़ोर है तो दोस्तों इस औषधि का प्रयोग करने से आपको पूरी तरह फायदा होगा। इसका एक ज्वारी मस्तंगी नाम की औषधि भी आती है जिसका प्रयोग करने से काफ़ी लाभ मिलता है। अगर आपके दांतों की समस्या है, मुसोड़े कमज़ोर हैं, खून आता है तो भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, या फिर आपको गैस रहती है, आफरा रहता है तो भी आप इस औषधि का प्रयोग करते हैं तो निश्चित रूप से आपको फायदा मिलता है। दोस्तों रूमी मस्तंगी एक तरह का प्राकृतिक च्युइंगम है जो कि वाइट गोल्ड नाम से भी जाना जाता है। अगर आप यौन दुर्बलता में इस औषधि का प्रयोग सफ़ेद मूसली, काली मूसली, सालम पंजा, सालम मिश्री, करकरा जैसी औषधियों के साथ करते हैं तो ये आपके पाचन तंत्र को मजबूत बनाती है, यानी उन औषधियों को पूरे गुण आपके शरीर को मिल पाते हैं। अगर आपका पाचन तंत्र सही नहीं होगा तो कोई भी ताकत की दवा खाएंगे तो फायदा नहीं करेगी। इसीलिए रूमी मस्तंगी को यौन शक्ति वाले नुस्खों में डाला जाता है और फायदा उठाया जाता है। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना मत भूले। हम इसी तरह के वीडियो लेके आते रहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। एक आयुर्वेद आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता है। धन्यवाद।